आईफोन का 8 भी किया आपने, डबल डेकर भी किया आपने, पावर भी किया आपने, पेंसिल कौन सी थी? यूनिवर्सल। किसने किसने किया, थोड़ा हाथ खड़े करके बताइए। एक भी ऐसा बचा है जिसने नहीं किया? नो सर। सबने किया? यस सर। दिल से सर, दिल से मेहनत होती है। हमने अपनी लाइफ में इतना काम नहीं किया, अगर कर लेते तो आज बहुत आगे होते, जितना आज इस क्लास में बैठे। चलिए अब मैं 2 दिन की जर्नी क्या बोलेंगे, 2 दिन की बहुत बेस्ट जर्नी। जितना अदर इंस्टीट्यूट 1 मंथ में पढ़ाते या 2 मंथ में पढ़ाते, उतना 2 दिन में कंप्लीट हो गया। चलिए आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। जी सही बोल रहे हैं सर, रियल बोल रहा हूँ। मैं खुद एक इंस्टीट्यूट से आया हुआ हूँ और ऑनलाइन क्लास किया हुआ है मैंने। अच्छा, रियल बोल रहा हूँ इस बात को। मैं 3 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ हूँ काफी। जी, सुबह 7:30 बजे आया, रिबॉलिंग किया सीपीयू, आईफोन 8 का रिबॉलिंग किया। फिर इसके बाद देव सर के साथ क्लास थी, जो उसने बड़े अच्छी तरह समझाया, समझ में आया। रिबॉलिंग की क्लास थी जी, डबल टेकर हाँ, और आईफोन 8 का हाँ, तो किया हमने जी। और डबल टेकर भी किया अपने, आईफोन भी किया जी, है ना। और फिर दोपहर में किनके साथ क्लास किया? देव सर के साथ थी, कंपोनेंट की क्लास थी, बहुत डीप लेवल में बताया आज। अच्छा, और उसका प्रैक्टिकल का टाइम भी मिला जी? उसका क्या प्रैक्टिकल आपको यहाँ के प्रैक्टिकल किया आपने? 6 बजे के बाद में। तो कोई ऐसी चीज़ जो दिमाग में मिस हो आपके, जो आपने सारी चीज़ जो सर ने पढ़ाई हो आपने प्रैक्टिकल किया यहाँ? जी जी, प्रैक्टिकल किया सर। सी पी रिवॉल्विंग की क्लास थी मॉर्निंग में जी, पहले सी पी रिवॉल्व किया, डबल डेकर रिवॉल्व किया हाँ। उसके बाद में देवसर के साथ में कंपोनेंट टू की क्लास थी, ठीक है वो हुई है ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल हुआ और लास्ट में पावर एसी। तो आज सुबह 7:30 बजे आए हम, तो हमने सबसे फर्स्ट यूनिवर्सल इंस्टेंसेस से सीपीयू रिवॉल्व किया और डबल डिकर और नॉर्मल दोनों सीपीयू रिवॉल्व किया हाँ। तो बहुत बेस्ट फील हुआ। उसके बाद देव सर के साथ हमारी क्लास हुई, उसमें कॉयल और डायोड को समझा पूरा प्रैक्टिकली, सारा का सारा विद सर्किट डायग्राम। उसके बाद हमारी आपके साथ प्रैक्टिकल क्लास हुई, उसमें भी हमने डीप में जाना कि किस तरीके से क्या चेक करते हैं क्या नहीं करते। वहाँ तो हम 4-5 घंटा समझ के आए ही, फिर इस क्लास में हमें आपके साथ भी सीखने को मिला। उसके बाद जाके हमारी क्लास आगे बढ़ी, जब सारे लोग के डाउट क्लियर्स हो गए 2-2.5 घंटे के बाद। तो सर एकदम बेस्ट फीलिंग आ रही है। और तो जी सर, मेरा नाम शुभम पटेल, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। जी सर, मैं आज भी 13-13.5 घंटे की क्लास हुई हाँ जी। हम 7:30 बजे क्लास में आए, तो उसमें यूनिवर्सल स्टेंसिल से हमने पावर आई से सीपीयू वगैरह रिबॉल किया और आईफोन 8 का भी आई से रिबॉल किया हमने जी। और बाद में देव सर की क्लास हुई, उसमें भी कंपोनेंट की सारी आई रही। वो सर ने काउंसलिंग वाली क्लास में ही किया था कि आप दूसरे दिन आईफोन और डबल डेकर का सीपीयू रिबॉल करेंगे, तो वो बातें सच हो रही कि नहीं हो रही? जी सर, सच है, सभी सच है। सब सच है जी सर। चलिए, तो मैं यूपी से हूँ। संदीप यूपी से, भाई इतनी दूर से एशिया टेलीकॉम आए, तो पैसा वसूल है कि नहीं? जी सर, वसूल है। पैसा वसूल है जी। कैसा लग रहा है सब काम करके? बहुत प्राउड फील हो रहा है सर जी कि हम लोग यहाँ पे आए। टीचर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारे साथ? बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई बाईपास कर रहा हो टीचर आपको? नहीं सर, 10 बजे तक पढ़ा रहा तो बाईपास तो नहीं कर रहा? नहीं सर जी, है ना, सवेरे 7:30 बजे से अगर 10 बजे तक पढ़ा रहा है कोई टीचर आपको, तो बाईपास तो नहीं कर रहा? नहीं सर जी। तो बताइए मेरे को, आज की जर्नी कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही सर जी। मैं हम लोग सुबह में आए थे, तो ये पावर EMMC का क्लास था जी। उसके बाद ये करने के बाद फिर EMMC का मतलब आपने CPU रिवाइव किया? जी सर। कौन कौन से CPU रिवाइव किया? CPU डबल डेकर का जी, फिर आईफोन का जी जी, उसके बाद एंड्रॉइड का जी जी। और उसके बाद आपकी क्या क्लास थी? देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी जी, कंपोनेंट की, कॉइल की, है ना जी। तो सारी डीपली जानकारी मिली आपको जी सर, उसका प्रैक्टिकल भी मिला जी। और अभी जाते जाते अभी लास्ट में क्या क्या? पावर आईसी। पावर हेलो सर, मेरा नाम रियाज सिद्दीकी, मैं मुंबई महाराष्ट्र से। और सर आज हमारी पहली क्लास थी रिबॉलिंग की, और सर हमने EMMC और CPU दोनों रिबॉलिंग किया। और सर मैं अंदाज़ा नहीं था कि हमने आईफोन का भी रिबॉलिंग किया CPU IC। और सर दूसरी क्लास थी हमारी देव सर के साथ, सर उनके साथ भी बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा अच्छा उन्होंने बताया, हर एक कंपोनेंट के बारे में बताया सर। और इसके बाद दूसरी क्लास थी हमारी वापस प्रैक्टिकल की, फिर प्रैक्टिकल में सर हमने सब कुछ डायोड के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कॉइल के बारे में जाना। और इसके बाद सर हमारा फिर वापस से रिबॉलिंग हुआ सर, हमने पावर आईसी में भी रिबॉलिंग किया सर। पहली बार हमने सैमसंग आईसी से, मतलब सैमसंग मोबाइल से पहली बार हमने निकाल के रिबॉलिंग करके वापस लगाया है। हमारे GR सारे कंपोनेंट्स बराबर वैल्यू में आए,
तो हमारी तो आईफोन की क्लास ही नहीं, हम एंड्राइड पढ़ने आए, आईफोन स्किल के लिए किया हमने। अगर हम आईफोन का 8 सीपीयू हम कर सकते हैं यूनिवर्सल स्टेंसिल में, तो हम कोई सी भी आईसी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद 11:30 सर हमारा देव सर के साथ क्लास था। हाँ जी, देव सर ने हमें कंपोनेंट के बारे में जो डीपली नॉलेज दिया है जी, वो बहुत डीप दिया है उन्होंने आज जी, बहुत अच्छा लगा और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मिला है। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद फिर वहाँ से 6:00 फिर उधर से देव सर की क्लास खत्म करने के बाद फिर इधर आके प्रैक्टिकल किया उसी मेथड पे जी। आज हमारा सर सुबह कंपोनेंट का क्लास था। अच्छा, सवेरे सवेरे क्या क्लास? अच्छा, सवेरे सवेरे सीपीयू रिवॉल्व किया था। कौन सा सीपीयू रिवॉल्व? डबल डेकर आईफोन 8 का आपने सीपीयू रिवॉल्व करा, प्रॉपर तरीके से हुआ आपसे? चलिए, कितनी बार किया आपने? सर मैंने दो बार किया। आपने आईफोन भी किया, डबल डेकर भी किया, कैसा लगा आपको? फिर दोपहर में क्लास किसके साथ थी? देव सर के साथ दोपहर में, मतलब 11:30 को आपको क्लास थी आपकी? यस सर। 11:30 से आपकी क्लास 6 बजे तक चली। आपको देव सर के साथ कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। सब चीज़ें समझ में आई आपको? बिल्कुल। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल देते हैं पूरा? प्रैक्टिकल की खाली थ्योरी होती है? नहीं सर, पूरा हर चीज़ का प्रैक्टिकल होता है। कहाँ से हो भाई? आसाम सर। आसाम से। अब्दुल, क्या था आज आपका? आज सर सुबह में हमारा EMMC सीपीयू रिवॉल्विंग में कर रहे थे सर। अच्छा, कौन सी स्टेंसिल से किया आपने? यूनिवर्सल से। कौन सा सीपीयू करा आपने? डबल टेकर। हाँ, और आईफोन A8 का भी किया था सर। ठीक है, चलिए। आपने सक्सेस हुआ आपसे? जी सर, जी आपने सर। करा? हाँ सर। अभी कोई सा भी सीपीयू आता है, हाँ अगर सर, कोई सा भी जो यूनिवर्सल में हो सकता है वो कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। वो टेक्निक है कि नहीं आएगा? हाँ आपके सर, पास सर। चलिए, दोपहर में किसके साथ क्लास थी आपकी? देव सर के साथ। देव सर की। क्या लेवल से पढ़ाया सर ने आपको? सर बहुत डीपली नॉलेज दिया सर ने। डीपली नॉलेज दिया, सारी चीजें समझ में ही आपको? हाँ सर। हाँ सर। और उसके बाद क्या किया आपने? फिर सर प्रैक्टिकल किए सर। प्रैक्टिकल किया, तो जो सर ने पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल आपने PCB पे करा? हाँ सर। तो PCB में सारी चीज बैंगलोर से। हाँ जी अभिषेक बोलिए। सुबह आके हमने CPU बॉलिंग किया, बाद में आईफोन का जो CPU आता है A8 वो बॉलिंग किया था। हाँ। बाद में देव सर से ये क्लास हुआ, मतलब आईडी कंपोनेंट्स का आइडेंटिफिकेशन। हाँ। उसमें हुआ कॉइल एंड डायोड दोनों हुआ था। हाँ। ऐसा कंपोनेंट्स आइडेंटिफिकेशन बताया है, वहीं पे स्कोप, वहीं पे स्केमेटिक खोलो, वहाँ पे क्या क्या आता है वो सब कुछ दिखाया गया है। अच्छा, तो कुल मिला के कंपोनेंट शायद मेरे हिसाब से जो दूसरे इंस्टीट्यूट होते हैं 8-8 या 10-10 दिन लगा देते हैं कंपोनेंट को पढ़ाने में, तो 2 दिन में कंपोनेंट का आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिली थी? हाँ मिला है, सब कुछ मिला है। उसका मापन जो होता है, सब कुछ जो भी है वो सब कुछ मिला है। मेरा नाम आसिफ अंसारी है, मैं बहराइच से UP से हूँ जी। हम लोग 7:30 को आए सर जी। जैसे ही हम लोग आए हैं, हमें सबसे पहले CPU दे दिया गया है, एक एंड्रॉयड फ़ोन का और एक iPhone 8 का पावर IC दे दिया गया, और हमें एक डबल डेकर दिया गया था रिबॉल करने के लिए। वो सब हम लोगों ने किया, किसी ने 5 बार किया, किसी ने 3 बार किया। हाँ। फिर 11:30 बजे से देव सर के साथ प्लास्टिक कंपोनेंट्स, डायोड, कैपेसिटर, इन सब के लिए और कॉइल के बारे में उन्होंने जानकारी दी। अच्छा। वो हम लोग की क्लास चली शाम को 6:30 बजे तक, फिर जो हम लोग वहाँ सीखा उसका प्रैक्टिकल हम लोग ने यहाँ पे आके किया सर। CPU रिवॉल्व किया सुबह सर। अच्छा, कौन कौन से CPU रिवॉल्व किया? डबल डेकर, iPhone 8 का सर। अच्छा, कौन सी स्टेंसिल से किए? यूनिवर्सल। प्रॉपर स्टेंसिल से किए? नहीं सर, यूनिवर्सल। हाँ सर। तो हुआ? हाँ सर। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा। चलिए, उसके बाद दोपहर में क्या क्लास था? दोपहर में सर देव सर के साथ क्लास था। अच्छा, कंपोनेंट का? हाँ, कंपोनेंट का। हाँ सर, बहुत ही अच्छा। सर ने कैसा पढ़ाया? बहुत ही अच्छा सर। सर मेरा नाम मनदीप है, मैं हरियाणा से हूँ जी। सर आते ही हमने पहले अपना जो था ये डबल डेकर CPU रिबोल किया, फिर उसमें आपने iPhone 8 का CPU दिया था, उसको हमने रिबोल किया। फिर हमारी देव सर के साथ क्लास थी जी। तो फिर अभी उसको हम देव सर ने हमें पढ़ाया, फिर पढ़ाने के बाद आपने हमारी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई बिल्कुल डीपली नॉलेज तक जी। उसके बाद हमें SMD की एयर से लेकर टेम्परेचर तक सब कुछ आपने सिखाया जी। और अभी जाते जाते हमने पावर IC के दिया है, उसके जो पावर IC निकाला, फिर पावर IC लगाया दोबारा से। पीछे हूँ जी। सर आज सुबह हमने IC रिबॉलिंग की जी, डबल डेकर जी, और CPU IC जी। उसके बाद देव सर के साथ क्लास थी कंपोनेंट्स की, उसके बाद हम लोग ने कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस की जी। उसके बाद अभी हम लोग पावर IC को निकाल के फिर से लगाया, JR चेक किए। एशिया टेलीकॉम क्या देख के आए? एक ट्रस्ट करके आए थे और हमको एक्चुअली सही में अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो 2 दिन में सीखा, हम तो पूरे महीने का जो लेके आए थे कि भाई हम महीने भर में इतना सीख के आए, वो तो हमने 2 दिन में सीख लिया। अच्छा। और जो सर उधर बताते कुछ डाउट भी था, तो इधर जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें कुछ भी डाउट हुआ तो इधर आप क्लियर करवा देते कि हाँ भाई ये डाउट है, ये वैसा कुछ, मतलब ये फीस के मामले में तो कुछ है नहीं, इतना नॉलेज मिल रहा हमको, तो इस वजह से हम तो उस चीज़ में संतुष्ट हैं।
बोलो ना तो हमारे साथ है 28 जून की भी है। यस सर, उनको लाइव है। यस सर, सब लाइव है। यस सर, क्या क्लास थी आज हमारी? ठीक है, सबसे पहले सवेरे आते आपने कौन सी स्टेंसिल से कौन सा सीपीयू रिबॉल किया? यूनिवर्सल सीपीयू किया था। आईफोन का 8 भी किया आपने? डबल डेकर भी किया आपने? पावर भी किया आपने? स्टेंसिल कौन सी थी? यूनिवर्सल। यस सर, किसने किसने किया थोड़ा हाथ खड़े करके बताइए। एक भी ऐसा बचा है जिसने नहीं किया? नो सर। सबने किया? यस सर। और अब ये बताइए फिर दोपहर में क्लास किनके साथ थी आपके कंपोनेंट की? ठीक है, कब तक चली वो क्लास? 6 बजे तक। कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन? किसी को भी डाउट कंफ्यूजन किसी प्रकार का डाउट? सारे कंपोनेंट का नॉलेज है आपको? पूरे पीसीबी में सारे कंपोनेंट का नॉलेज? आप पहचान सकते हो उसको? उसका काम क्या ये बता सकते हो? अच्छा, उसकी रीडिंग ले सकते हो? चलिए ठीक है। और उसके बाद शाम को आपकी क्या क्लास थी आपकी? शाम की जो क्लास थी आपने जो कंपोनेंट पढ़ा था उसका क्या था? प्रैक्टिकल में किसी को डाउट? पूरी पीसीबी देखी आपने? उससे ट्रेस किया? डायोड क्या है, कॉइल क्या है, रेजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, सबने आपने रीडिंग निकाली? यस सर। थर्मिस्टर को ढूंढ सकते हो? यस सर। आपको कॉइल का काम मालूम है? यस सर। अगर डायोड अगर सीरीज में लगाए तो ये मालूम है आपको? यस सर। काम है पैरेलल में लगाए तो ये मालूम है आपको? यस सर। चलिए ठीक है, और फिर एंड में क्या किया आपने? एंड में लगाया आपका जी आर आया उसके अंदर? जी आ रहा है। yes, आपको कल क्या क्लास है आपकी? पावर आईसी निकाल के माउंट और रिमाउंट करना। चालू फोन को हम क्या करेंगे? डेट करेंगे। डेट करने के बाद कौन कौन करेगा? सब करेंगे। चलिए ठीक है, और सवेरे क्लास कितनी बजे आपकी? 7:30 बजे। और कब तक चलेगी क्लास? 10 बजे रात तक। अभी टाइम क्या हो रहा है? 9:30 बजे। चलिए ठीक है, 9:30 स्टूडेंट है जी, नाम बताइए अपना। अब्दुल सर। अब्दुल कहाँ से हो भाई? आसाम से। आसाम से अब्दुल, क्या था आज आपका? आज सर सुबह में हमारा EMMC सीपीयू रिवॉल्विंग में कर रहे थे सर। अच्छा, उसके बाद कौन सी स्टेंसिल से किया आपने? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से कौन सा सीपीयू करा आपने? डबल टेकर। हाँ, और आईफोन A8 का भी किया था सर। ठीक है, चलिए, आपने सक्सेस हुआ आपसे? जी सर, जी आपने सर। करा? हाँ सर। अभी कोई सा भी सीपीयू आता है, हाँ अगर सर, कोई सा भी जो यूनिवर्सल में हो सकता है वो कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते वो सर। टेक्निक है कि नहीं? हाँ आपके सर, पास सर। चलिए, दोपहर में किसके साथ क्लास थी आपकी? देव सर के साथ। देव सर की, क्या लेवल से पढ़ाया सर ने आपको? सर बहुत डीपली नॉलेज दिया सर ने। डीपली नॉलेज दिया? हाँ सर। सारी चीजें समझ में ही आपको? हाँ सर। हाँ सर। और उसके बाद क्या किया आपने? फिर सर प्रैक्टिकल किए सर। प्रैक्टिकल किया, तो जो सर ने पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल आपने पीसीबी पे करा? हाँ सर। तो पीसीबी में सारी चीज आज हमारा सर सुबह कंपोनेंट का क्लास। अच्छा, सवेरे सवेरे क्या क्लास? अच्छा, सवेरे सवेरे सीपीयू रिवॉल्व किया था। कौन सा सीपीयू रिवॉल्व? डबल डेकर। डबल डेकर आईफोन 8 का आपने सीपीयू रिवॉल्व करा, प्रॉपर तरीके से हुआ आपसे? चलिए, कितनी बार किया आपने? सर मैंने दो बार किया। आपने आईफोन भी किया, डबल डेकर भी किया, कैसा लगा आपको? फिर दोपहर में क्लास किसके साथ थी? सर देव सर के साथ। देव सर के साथ दोपहर में, मतलब 11:30 को आपको क्लास थी आपकी? यस सर। 11:30 से आपकी क्लास 6 बजे तक चली। आपको देव सर के साथ कैसा लगा? सब चीजें समझ में ही आपको? बिल्कुल। सर कैसा पढ़ाते? सर बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल देते हैं पूरा? प्रैक्टिकल ये खाली थ्योरी होती है? नहीं सर, प्रैक्टिकल पूरा हर चीज का प्रैक्टिकल होता है। बिल्कुल। अच्छा, प्रैक्टिकल के बाद फिर प्रैक्टिकल क्लास होती है आपकी? प्रैक्टिकल। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है अभिषेक, बैंगलोर से। हाँ जी अभिषेक बोलिए। सुबह आके हमने सीपीयू बॉलिंग किया, बाद में आईफोन का जो सीपीयू आता है ये 8 वो बॉलिंग किया था। हाँ। बाद में देव सर से ये क्लास हुआ, मतलब आईडी कंपोनेंट्स का आइडेंटिफिकेशन। हाँ। उसमें हुआ कॉइल एंड डायोड दोनों हुआ था। हाँ। ऐसा कंपोनेंट्स आइडेंटिफिकेशन बताया है, वहीं पे स्कोप, वहीं पे स्कीमेटिक बोलो, वहाँ पे क्या क्या आता है वो सब कुछ दिखाया गया है। अच्छा, तो कुल मिला के कंपोनेंट शायद मेरे हिसाब से जो दूसरे इंस्टीट्यूट होते हैं 8-8 या 10-10 दिन लगा देते हैं कंपोनेंट को पढ़ाने में, तो 2 दिन में कंपोनेंट का आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिली कि नहीं? हाँ मिला है, सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, उसका मापन जो होता है सब कुछ जो भी है वो सब कुछ मिला है। ठीक है, और उसके बाद आपने इस क्लास में आके प्रैक्टिकल किया आपने? किया, प्रैक्टिकल में कुछ चेक किया, कुछ आइडेंटिफिकेशन किया, वो उसका जो टेस्टिंग मेथड होता है वो सब कुछ किया हुआ है।
अभी आपने फोन में से आईसी उठा के लगाया? लगाया। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरा दिन आपको कैसा फील हो रहा है? मस्त। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है अनुराग सिंह फ्रॉम राजस्थान। हाँ अनुराग, बताइए कैसा रहा क्लास आपका? सेकंड डे कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा है सर। अच्छा, सवेरे क्या किया आपने? सुबह आते सबसे पहले आईसी रिबॉलिंग किया है मैंने। अच्छा, कौन सा आईसी रिबॉलिंग? डबल डेकर किया है, सीपीयू भी किया था। अच्छा, आईफोन 8 भी किया है। अच्छा जी, तो हमारी तो आईफोन की क्लास ही नहीं, हम एंड्राइड पढ़ने आए, आईफोन स्किल के लिए किया हमने जी। अगर हम आईफोन का 8 सीपीयू हम कर सकते हैं यूनिवर्सल स्टेंसिल में, तो हम कोई सी भी आईसी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद 11:30 सर हमारा देव सर के साथ क्लास था। हाँ जी, देव सर ने हमें कंपोनेंट के बारे में जो डीपली नॉलेज दिया है जी, वो बहुत डीप दिया है उन्होंने आज जी, बहुत अच्छा लगा और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मिला है। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद फिर वहाँ से 6:00 फिर उधर से देव सर की क्लास ख़त्म करने के बाद फिर जाकर प्रैक्टिकल किया उसी मेथड पे जी। प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल ख़त्म करने के बाद सब कुछ समझ लिया, उसके बाद फिर रिटर्न आईसी रिवॉल्व किया है। अच्छा, और आईसी रिवॉल्व करके माउंट रिमाउंट किया? माउंट रिमाउंट। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। और दूसरा दिन इतना काम? बहुत बहुत अच्छा। कभी जीवन में इतनी देर तक काम करा था? सवेरे 7:30 बजे से रात? नहीं सर, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया था। चलिए, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जी। मेरा नाम आसिफ अंसारी है, मैं बहराइच से यूपी से हूँ जी। हम लोग 7:30 को आए सर जी। जैसे ही हम लोग आए हैं, हमें सबसे पहले सीपीयू दे दिया गया है, एक एंड्रॉयड फ़ोन का और एक आईफोन 8 का पावर आईसी दे दिया गया, और हमें एक डबल डेकर दिया गया था रिकॉल करने के लिए। वो सब हम लोगों ने किया, किसी ने 5 बार किया, किसी ने 3 बार किया। फिर 11:30 बजे से देव सर के साथ प्लास्टिक कंपोनेंट्स, डायोड, कैपेसिटर, इन सब के लिए और कॉइल के बारे में उन्होंने जानकारी दी। अच्छा। वो हम लोग की क्लास चली 6:30 बजे तक। फिर जो हम लोग वहाँ सीखा उसका प्रैक्टिकल हम लोगों ने यहाँ पे आके किया। फिर प्रैक्टिकल वो 8 बजे हम लोगों का कंप्लीट हो गया था, लेकिन सर आपने एक्स्ट्रा क्लास समय ले लिया। आपने एक फ़ोन दिया सैमसंग का बड़ा फ़ोन, उसकी पावर आईसी निकाल के जी आर चेक करके उसके बाद फिर से उसको रीमाउंट करना था, फिक्स करना था। वो सब लोगों ने प्रॉपर तरीके से फर्स्ट टाइम नहीं करना। कैसा लग रहा है सफ़र के आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कुछ बन गया 2 ही दिन में। चलिए, हमारे साथ एक और। हेलो सर, मेरा नाम है रियाज सिद्दीकी, मैं मुंबई महाराष्ट्र से। और सर आज हमारी पहली क्लास थी रिबॉलिंग की, और सर हमने MMC और CPU दोनों रिबॉलिंग किया, और सर मैं अंदाज़ा नहीं था कि हमने आईफोन का भी रिबॉलिंग किया CPU IC। और सर दूसरी क्लास थी हमारी देव सर के साथ, सर उनके साथ भी बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ, अच्छा अच्छा उन्होंने बताया, हर एक कंपोनेंट के बारे में बताया सर। और इसके बाद दूसरी क्लास थी हमारी वापस प्रैक्टिकल की, फिर प्रैक्टिकल में सर हमने सब कुछ डायोड के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कॉइल के बारे में जाना। और इसके बाद सर हमारा फिर वापस से रिबॉलिंग हुआ सर, हमने पावर आईसी में भी रिबॉलिंग किया सर। पहली बार हमने सैमसंग आईसी से, मतलब सैमसंग मोबाइल से पहली बार हमने निकाल के रिबॉलिंग करके वापस लगाया है। हमारे GR सारे कंपोनेंट्स बराबर वैल्यू में आए सर, बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू। सर मैं रवि कुमार। हाँ जी रवि, मतलब रूमर से हूँ जी। 7:30 बजे मैं यहाँ पे आया जी, उसके बाद मुझे ये आईसी दिया गया जी, डबल डेकर आईसी। उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं रिबॉल किया। हाँ। और आईफोन की भी आईसी मिली, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्रॉपर रिबॉल किया। उसके बाद सर देव सर के साथ हम जो ये क्लास था कंपोनेंट का, उसको भी मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से डीपली समझा विथ प्रैक्टिकल। और उसके बाद फिर वहाँ से मतलब 6 बजे हमारी छुट्टी हुई, उसके बाद आने के बाद सर मैं यहाँ पे फिर से PCB पे सारा प्रैक्टिकल किया। उसके बाद ये 9 बजे लगभग ये आईसी हमको मिला रिबॉल करने के लिए सैमसंग का, और नहीं ये बोर्ड, हाँ बोर्ड मिला। उसको मैं खोल करके फिर से जो नए से यहीं से मिला, बहुत अच्छा। लेकिन मैंने फिर उसका GR चेक किया, बिल्कुल ओके निकला और सही तरीके से मैं लगा लिया सर। तो दूसरा दिन इस लेवल पर पहुँच गए ऐसे बहुत बहुत अच्छा सर, कभी ऐसा नहीं मतलब सोचा। सर वेस्ट बंगाल से आए कलकत्ता से, मेरा नाम चंदन प्रसाद है सर। सर सवेरे 7:30 बजे हम लोग क्लास में एंटर किए, क्लास में आने के बाद 7:30 बजे से लेकर हम लोग 11 बजे तक, पहले तो हम लोग कलकत्ता आईसी रिबॉलिंग किए आईफोन 8 का, फिर हम डबल डेकर का आईफोन रिबॉलिंग किए, 2 बार 3 बार रिबॉलिंग किया। उसका हम लोग को समझाया, तो 6 बजे के बाद हम लोग फिर उसको लेकर कंपोनेंट के बारे में हम लोग थ्योरी करने के बाद जब हम लोग को टाइम हो गया था जाने का, तो सर फिर से बोले कि नहीं चलो एक बार हम लोग बोर्ड पे आईसी को खोल के फिर से रिवॉल्विंग बैठाते हैं।
उसके बाद हम लोग फिर वो करते हुए अभी हम लोग 10 बजने चला, अभी हम लोग घर जाने वाले करके ये सब चेक कर रहे। दो दिन में इतना सब कुछ बहुत हो गया सर, बहुत ज़्यादा, इतना समझ नहीं बने, पता नहीं कि इतना जल्दी हम लोग इतना दिल्ली तक जा सकते हैं। ठीक है सर, अगर अभी बहुत सर, सर मेरा नाम है एहसान अहमद दतिया एम पी से। जी एहसान बताइए, सवेरे से क्या क्लास पास है? सर आज सी पी यू रिवॉल्व किया सुबह सर। कौन कौन सी सी पी यू रिवॉल्व किया? डबल डेकर iPhone 8 का सर। अच्छा, कौन सी सिस्टम से सीखी? यूनिवर्सल का। प्रॉपर सिस्टम से नहीं सर, यूनिवर्सल। हाँ सर। वाह, हाँ सर, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा। चलिए, उसके बाद फिर में क्या क्लास था? तो फिर सर रणदेव सर के साथ क्लास था। अच्छा, आप कॉम्पोनेंट का? हाँ कॉम्पोनेंट। हाँ सर, बहुत ही अच्छा। सर भी कैसा लगा? बहुत ही अच्छा सर, हर चीज़ एकदम क्लियर। हाँ सर, अच्छी क्लियर। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्लास में किसी चीज़ को सोचने समझने की जरूरत थी सर, किसी प्रकार का मतलब कोई तबल से समझाने की जरूरत थी क्या? नहीं सर, आपने किसी भी देख के रीडिंग ली और आपको सब आता था? हाँ सर। और कैसी लगी आपको दो दिन की क्लास? सर बहुत अच्छी लगी। अभी रात में जाते जाते क्या कर रहा आपने? सर रात में, अभी रात में, अभी जो लेटेस्ट काम क्या किया सर? पावर आईसी निकाल के वापस फिक्स। हाँ सर, फिक्स किया। सर मेरा नाम रणदीप है, हरियाणा से। जी सर, आते ही हमने पहले अपना जो था ये डबल डेकर सीपीयू रिबोल किया, फिर उसमें आपने आईफोन 8 का सीपीयू दिया था, उसको हमने रिबोल किया। फिर हमारी देव सर के साथ क्लास थी, तो फिर अभी उसको हम देव सर ने हमें पढ़ाया, फिर पढ़ाने के बाद आपने हमारी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई बिल्कुल डीपली नॉलेज तक। उसके बाद हमें SMD की एयर से लेकर टेम्परेचर तक सब कुछ आपने सिखाया था। और अभी जाते जाते हमने पावर आईसी के दिया एक, उसके जो पावर आईसी निकाला, फिर पावर आईसी लगाया दोबारा से। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, जी मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं यूपी से। संदीप यूपी से, भाई इतनी दूर से एशिया टेलीकॉम आए, तो पैसा वसूल है कि नहीं? पैसा वसूल है। कैसा लग रहा है सब काम? बहुत प्राउड फील हो रहा है सर जी की हम लोग यहाँ पे आए। टीचर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारे साथ? बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई बाईपास कर रहा हो टीचर आपको? नहीं सर, 10 बजे तक पढ़ा रहा तो बाईपास तो नहीं कर रहा? नहीं सर, है ना, सवेरे 7:30 बजे से अगर 10 बजे तक पढ़ा रहा है जो टीचर आपको, तो बाईपास तो नहीं कर रहा? नहीं सर। तो बताइए मेरे को, आज की जर्नी कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही सर जी। मैं हम लोग सुबह में आए थे, तो ये वहाँ EMC का क्लास था जी, उसके बाद ये करने के बाद फिर EMC का मतलब आपने CPU रिवाइव किया? जी सर। कौन कौन से CPU रिवाइव किया? CPU डबल डेकर का जी, फिर आईफोन का जी, जी उसके बाद एंड्रॉइड का जी, जी। और उसके बाद आपकी क्या क्लास थी? देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी जी, कंपोनेंट की, कॉइल की, है ना जी। सारी डीपली जानकारी मिली आपको? जी सर। उसका प्रैक्टिकल भी मिला जी। और अभी जाते जाते अभी लास्ट में क्या किया? पावर आईसी आपने एक बोर्ड में से पावर आईसी निकाली, उसको वापस फिक्स की और वापस लगाई जी सर, पूरा GR आया। कल क्या करने वाले हो? कल चालू फोन से पावर आईसी निकाल के वापस लगाने की क्लास है आपकी जी सर। कितने बजे हो? सुबह 7:30 7:30। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, अकोला मार्च से। जी रेहान बताइए। असल CPU रिवॉल्विंग क्लास थी मॉर्निंग जी, पहले CPU रिवॉल्व किया, डबल डेकर रिवॉल्व किया। हाँ, उसके बाद में देवसा के साथ में कंपोनेंट हुई क्लास, ठीक है वो हुई है ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल हुआ और लास्ट में पावर आईसी आपने बोर्ड में से निकाल के पावर आईसी डबल डेकर ऑफिस फिक्स किया है। टेस्ट फिक्स करने के बाद आपको GR? यस सर। तो कैसा लगा है सर पावर? और यही पावर आईसी कल आप करने वाले? यस सर। कल का प्लान क्या करने वाले हो आप? और लाइव चालू मोबाइल से 4G मोबाइल से क्या निकालोगे आप? इसे पावर आईसी निकाल के वापस माउंट रिमूव कर? यस सर। चलिए ठीक है, तो दो दिन में ये दो दिन की जो जर्नी थी आपकी कैसी रही? आपकी बहुत पैसा वसूल है कि नहीं? पैसा वसूल है। वसूल होगा सर, काउंसिलिंग की क्लास में पैसा वसूल होगा? काउंसिलिंग की क्लास में पैसा वसूल होगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग की क्लास थी जी, डबल टेकर और iPhone 8 का वो किया हमने जी। और डबल डेकर भी किया अपना, आईफोन भी किया जी, है ना। और फिर दूसरे में किनके साथ क्लास थी? देव सर के साथ थे, कंपोनेंट की क्लास थी। बहुत डीप लेवल में बताया आज। अच्छा, और उसका प्रैक्टिकल का टाइम भी मिला जी? कब किया प्रैक्टिकल आपको? यहाँ की प्रैक्टिकल किया जी 6 बजे के बाद में। तो कोई ऐसी चीज़ जो दिमाग में मिस हो आपके, जो आपने सारी चीज़ जो सर ने पढ़ाई हो आपने प्रैक्टिकल किया यहाँ? जी जी, प्रैक्टिकल PCB पे और PCB पे प्रैक्टिकल किया आपने? आपको सब चीज़ें मिली? और अभी लास्ट में जाते क्या किया? अभी लास्ट में सर पावर आईसी निकाल के माउंट रिमोट किया और सक्सेस हुआ 1 टाइम। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट सर, मैं UPSC में एलिमिनेट हूँ।
जी सुबह 7:30 बजे आया, रिबॉलिंग किया सीपीयू आईफोन 8 का रिबॉलिंग किया। फिर इसके बाद देव सर के साथ क्लास जो उसने बड़े अच्छी तरह समझाया, समझ में आया। फिर इसके बाद आके क्रिटिकल किए, आपने बताया एकदम बहुत अच्छी तरह। फिर इसके बाद जाते जाते सीपीयू रिबॉल किया, पावर आईसी निकाल के बाकायदा किया सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो जो सोच के आए थे वो मिल रहा है उससे कई गुना सर मिल रहा है, कई गुना मिल रहा है, इतना सोचा नहीं था। नहीं कभी नहीं सोचा था। ठीक है, बहुत बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर, मैं यादव ब्रिजेश कुमार यूपी से हूँ। जी सर, आज सुबह हमने आईसी रिबॉलिंग की जी, डबल डेकर और सीपीयू आईसी जी। उसके बाद देव सर के साथ क्लास थी कंपोनेंट की, उसके बाद हम लोग ने कंपोनेंट की प्रैक्टिस की। उसके बाद अभी हम लोग पावर आईसी को निकाल के फिर से लगाया, जो आज चेक किया सब कुछ एक बार में ही कर लिया। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। दो दिन में इतना इतना सब कुछ कंपोनेंट भी आ गया समझ में, रिवॉल्विंग भी कर ली, यूनिवर्सल रिवॉल्विंग भी कर ली, आज आईसी निकाल के लगा भी ली। कल आपकी लाइव पावर आईसी की चालू मोबाइल से निकाल के लगाने की आपकी क्लास है 4G मोबाइल से, तो ये सब इतना दो ढाई दिन में इतना सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत डीपली नॉलेज मिल रहा है। आप सर, आप संतुष्ट हैं? यस सर। सर मेरा नाम शुभम पटेल, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। जी सर, मैं आज भी 13-13.5 घंटे की क्लास हुई। हाँ जी, हम 7:30 बजे क्लास में आए, तो उसमें ड्यूल सेट स्टेंसिल से हमने पावर आईसी से भी वगैरह रिबॉल किया, और आईफोन 8 का भी आई से रिबॉल किया हमने जी। और बाद में जो सर की क्लास हुई उसमें भी कंपोनेंट की सारी आई रही। वो सर ने काउंसलिंग वाली क्लास भी किया था सर। आप दूसरे दिन आईफोन और डबल डेकर का सीपीयू रिबॉल करेंगे, तो वो बातें सच हो रही थी? जी सर, सच है, सभी सच है, सब सच है। जी सर। फिर उसके बाद आपने सर के साथ आपकी क्लास की? जी सर। किस लेवल से समझा आपने कंपोनेंट? बहुत डीपली कंपोनेंट का नॉलेज। कंपोनेंट जो सारे पीसीबी में कंपोनेंट है ना, वो सारे के बारे में जरा सा भी डाउट है क्या आपको? नो सर, कोई भी डाउट, हर चीज़ क्लियर है, आप देखते से ही पहचान जाओगे? जी सर। चलो, उसका रीडिंग और काम दोनों मालूम है आपको? जी सर, 100%। कैसा लग रहा है भाई दो दिन में शुभम, इतना सब कुछ सोचे थे आप? नहीं सर, कोई ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, अभी तो पूरा प्राउड फील हो रहा मुझे। अच्छा। मेरा नाम शानली है, मैं उत्तर प्रदेश से। हाँ शुभम, तो आज सुबह 7:30 बजे आए हम, तो हमने सबसे फर्स्ट यूनिवर्सल इंस्टेंसेस से सीपीयू रिबॉल किया, और डबल डिकर और नॉर्मल दोनों सीपीयू रिबॉल किया, तो बहुत बेस्ट फील हुआ। उसके बाद देव सर के साथ हमारी क्लास हुई, उसमें कॉयल और डायोड को समझा पूरा प्रैक्टिकली, सारा का सारा विद सर्किट डायग्राम। उसके बाद हमारी आपके साथ प्रैक्टिकल क्लास हुई, उसमें भी हमने डीप में जाना कि किस तरीके से क्या चेक करते हैं क्या नहीं करते। वहाँ तो हम 4-5 घंटा समझ के आए ही, फिर इस क्लास में हमें आपके साथ भी सीखने को मिला। उसके बाद जाके हमारी क्लास आगे बढ़ी, जब सारे लोग के डाउट क्लियर्स हो गए 2-2.5 घंटे के बाद, तो सर एकदम बेस्ट फीलिंग आ रही है। और तो क्या लेवल है एसएटी का पढ़ाने? बेस्ट लेवल है सर एकदम। मतलब दिल से मेहनत करता है कि नहीं करता है? दिल से सर, दिल से मेहनत होती है। हमने अपनी लाइफ में इतना काम नहीं किया, अगर कर लेते तो आज बहुत आगे होते, जितना आज इस क्लास में बैठे। चलिए, अब मैं 2 दिन की जर्नी क्या बोलेंगे, 2 दिन की जर्नी बहुत बेस्ट जर्नी, जितना अदर इंस्टीट्यूट 1 मंथ में पढ़ाते या 2 मंथ में पढ़ाते उतना 2 दिन में कम्प्लीट होगा। चलिए, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। जी जी, सही बोल रहे हैं सर, रियल बोल रहा हूँ। मैं खुद एक इंस्टीट्यूट से आया हुआ हूँ और ऑनलाइन क्लास किया हुआ है मैंने। अच्छा, रियल बोल रहा हूँ इस बात को, मैं 3 साल का एक्सपीरियंस लिया हूँ काफ़ी। तो ऐसे टेलीकॉम में कोई आएगा तो किसी बच्चे का पैसा वेस्ट होगा? वेस्ट नहीं होगा एकदम, और कामयाब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मेरा नाम कुलदीप है, मैं पठानकोट पंजाब से। जी भाई, पंजाब पठानकोट गोरखपुर, फिर दिल्ली भी जा सकते थे, जबलपुर आया आप, आपको आपने ट्रस्ट किया ऐसे टेलीकॉम पे, तो वो ट्रस्ट किया तो वो ट्रस्ट का कुछ रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है, पूरा पूरा मिल रहा है। किस लेवल से मिल रहा है? 100% तक का मिला, क्योंकि सुबह 8:30 बजे से क्लास स्टार्ट हुई है और रात के 10 बज रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट इतनी देर तक नहीं खुला रहा। नहीं तो खुला रख सकता है ना, आपको बिठाएगा, चाय पिलाएगा, खाना खिलाएगा, नाश्ता करवाएगा, है ऐसा था वो? ये भी बात सही है, बट यहाँ पे हम सुबह से लेके शाम तक अब जहाँ तो प्रैक्टिस करते हैं और जहाँ देव सर के साथ क्लास होती है। बाकी तो कभी आप कभी अपने आप को कभी आधा घंटा भी 20 मिनट भी कभी महसूस करा कि आप बाहर घूमने गए? अभी तक नहीं, अभी तक नहीं किया। खाना खाने के लिए 15 मिनट मिलते हैं, खाना खाने के लिए 15 मिनट मिलते हैं, है ना? तो
ये बताइए मेरे को कि आज की जर्नी कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया। आज सुबह आके पहले यूनिवर्सल स्टेंसिल से हमने सीपीयू रिवॉल्व किया जी। और उसके बाद आपने एक आईफोन 8 का सीपीयू दिया था जी। वो रिवॉल्व किया जी। उसके बाद सर के साथ क्लास थी जी। क्लास खत्म होने के बाद उसकी प्रैक्टिस की जो सर ने समझाया था जी। और उसके बाद अभी आपने एक घंटा पहले हमें जो आधा घंटा पहले हमें एक सैमसंग का बोर्ड दिया था उसमें से पावर उतार के दोबारा से लगा के जी आर चेक किया था। तो डन होगा काम डन। और आपका नंबर बोल दीजिए 7307387855। मेरे साथ एक और स्टूडेंट मेरा नंबर आला है बोला सा है। सुबह सुबह हमने दो आई सी जो यूनिवर्सल से रिकॉर्डिंग वगैरह किया हमने। राना सबसे पहले इंटरव्यू करना चाहूँगा आपको मैं। राना महाराष्ट्र से यहाँ आया हूँ। बहुत सारे इंस्टीट्यूट रस्ते में आते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं है ना तो आप वहाँ भी जा सकते थे। एशिया टेलीकॉम क्या देखते हैं आप? एक ट्रस्ट करके आए थे और हमको एक्चुअली सही में अच्छा लग रहा है क्योंकि जो दो दिन में सीखा हम तो पूरा महीने का जो लेके आए थे कि भाई हम महीने भर में इतना सीख के आए हो तो हमने दो दिन में सीख लिया। और जो सर उधर बताते कुछ डाउट भी था तो इधर जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें कुछ भी डाउट हुआ तो इधर आप क्लियर करवा देते कि हाँ भाई ये डाउट है ये ऐसा कुछ मतलब तो ये इसके मामले में तो कुछ है नहीं इतना नॉलेज मिल रहा है हमको तो इस वजह से हम तो उस चीज़ में संतुष्ट हैं। दूसरा बताइए आज की जर्नी कैसे रही? बहुत बहुत नॉलेज आज उधर सर ने पढ़ाया हमको कंपनी के बारे में जो भी उसके बाद हमने इधर प्रैक्टिकल किया। अभी जो लास्ट में था आपने जो हमको बोर्ड दिया था ये तो एक्चुअली कर नहीं पाते थे लेकिन जो समझाने का दो दिन का जो तरीका था उस वजह से हमारा हाथ वगैरह भी जो बैठ जो डाउट है वो भी हमारे क्लियर हो गए और जो नहीं हुए वो भी हमको पूरा 100% भरोसा है कि आज तक हम लोग खुशी खुशी क्लियर हो जाए।